हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त एमए खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद से इन्फो। पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा बिजी भी था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाए और इसलिए भी वीडियो नहीं आ पाए क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं, तो मैंने भी सोचा चलो थोड़ा 2 दिन आराम कर लिया जाए। तो आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और कुछ दोस्तों के सवाल भी हैं जिसको इस वीडियो में शामिल भी किया गया है। तो पहले तो तमाम चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों से शेयर कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों के सवाल, जो कुछ सवाल यहाँ पर बाकी रह गए जिसका जवाब नहीं दिया गया तो उनको इस वीडियो में डिटेल में समझाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर तो यही है कि इंडिया ने अपनी ट्रेवलिंग गाइडलाइंस में बदलाव किया है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि भारत सरकार ने यानी इंडिया ने पिछले दिनों, लगभग 2-3 दिनों पहले, इंडिया में 100 करोड़ डोज वैक्सीन प्रोवाइड किए, यानी इंडिया में 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए हैं और कुछ आसानियां भी प्रोवाइड की हैं। तो जो गाइडलाइंस हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसमें क्या है। यहाँ पर मेरे पास लिस्ट रखी हुई है और ये गाइडलाइन जो है ये 25 अक्टूबर 2021 रात को 12 बजे के बाद लागू हो जाएगी, यानी कि 24 अक्टूबर को रात में जब 12 बजेंगे उसके बाद 25 अक्टूबर लग जाता है तो वहीं से ये गाइडलाइन शुरू हो जाएंगी। और इस गाइडलाइंस में जो तमाम डिटेल हैं वो लगभग डिटेल तो यही है जो पहले वाली थी, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जो जोड़ी गई है वो है वैक्सीनेशन वाली। यानी अगर कोई 2 वैक्सीन लेकर आता है तब उसको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा और ये ऑल इंडिया के लिए हो गया है। पहले सिर्फ मुंबई में था कि आप मुंबई जा रहे हैं तो आप वैक्सीन लेकर जाएंगे तब आपको वहाँ पर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन अब इसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई वैक्सीन लेकर आता है तो उसको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उसने वैक्सीन नहीं ली है तो उसको क्वारंटीन किया जाएगा और आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आपको वैक्सीन लिए हुए 15 दिन से ज़्यादा गुजर गए हों। जैसे कि और देशों में 14 दिन इसकी लिमिट है लेकिन इंडिया ने इसको एक दिन और बढ़ाकर 15 दिन किया है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ सऊदी अरब के लिए भी है? तो यहाँ पर मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने तमाम देशों की लिस्ट दी है ये किन किन देशों के लिए लागू होगी। तो इसके लिए सरकार ने 2 कैटेगरियां बनाई हैं। एक कैटेगरी वो है जो हाई रिस्क कंट्रियां हैं, यानी जहां पर कोरोना अनस्टेबल है, ज्यादा कोरोना है, लेकिन उन देशों के साथ में सरकार का आपस में एग्रीमेंट हुआ है कि आप हमारे नागरिकों को अपने यहाँ आजादी से घूमने देंगे, आजादी से जाने देंगे और हम आपके नागरिकों को। तो कैटेगरी में शामिल है द यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लेबनान, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया। यानी इन देशों से अगर कोई वैक्सीन लेकर आता है इंडिया तो इंडिया में उतरने के बाद में उसको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, हालांकि उसका इंडिया में उतरने के बाद में आरटीपीसीआर टेस्ट होगा और वो निगेटिव आता है तो उसको जाने दिया जाएगा। उसको ये एडवाइस दिया जाएगा कि वो 14 दिन अपनी हेल्थ पर नजर रखे। और इसके अलावा अगर कोई इन देशों से अनवैक्सीनेट आता है तो उसको 7 दिन होम क्वारंटीन किया जाएगा, यानी होम क्वारंटीन उसको भी एयरपोर्ट से जाने दिया जाएगा आरटीपीसीआर करवाने के बाद में, लेकिन 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। इसके अलावा भारत सरकार ने एक और लिस्ट तैयार की है, उस लिस्ट को कहा गया है कि ये कंट्रियां हाई रिस्क में हैं और इन हाई रिस्क वाली कंट्रियों में क्या क्या है, कौन से देश हैं? साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिटियस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे। इन देशों से आने वालों के लिए भी सेम गाइडलाइंस है, यानी ये भी अगर इंडिया में उतरेंगे तो इनको भी अगर इनके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है तो क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, अदरवाइज इनको 7 दिन क्वारंटीन होना होगा और हाँ, इंडिया में उतरने के बाद में आरटीपीसीआर करवाना होगा। अब इसमें आप समझ लें कि सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट का कोई भी देश इसमें शामिल नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने फालतू में आप लोगों को इतनी देर पका दिया। दरअसल इन सारी चीज़ों को बताने का मतलब ये था कि आप लोग कंफ्यूजन रहें, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर या टिकटॉक वगैरह पर फेल्स इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चलती है और लोग आपको एक हवा में बता देंगे कि भारत सरकार ने गाइडलाइंस चेंज की, आप परेशान हो जाएंगे, फिर आप बार बार पूछेंगे कि भाई क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ। तो मैंने सोचा इससे पहले इसको काउंटर कर दिया जाए। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि मिडिल ईस्ट के किसी भी देश से आप जाएंगे इंडिया तो जो पहले गाइडलाइन चल रही थी वही अब भी चल रही है। तो चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर यह है कि तवक्कलना को एज ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर अप्रूव कर लिया गया है। ये जानकारी खुद तवक्कलना ने ट्वीट करके दी है अपने ट्विटर हैंडल पर, उसका ट्वीट यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पिछले वीडियोज में आपको बताया जा चुका है, आपके पास इकामा हो तब आप दिखा सकते हैं, कोई सिक्योरिटी वाला आपको आइडेंटिफाई करना चाहे तो, कोई सुरता वगैरह आपको कहे कि आप इकामा दिखाइए, तो आपके पास पहला ऑप्शन था इकामा। और पिछले दिनों दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया कि अगर आपके पास आपका ओरिजिनल इकामा नहीं है तो आप अफसर इंडिविजुअल ऐप से अपनी डिजिटल आईडी दिखाकर भी अपनी आईडी प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा भी चंद दिनों पहले, लगभग हफ्ता 15 दिन पहले आपको बताया गया कि आपके पास अगर अफसर है यानी अफसर अकाउंट भी है
तब भी आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं अपना लॉगिन करके, यानी यूजर नेम पासवर्ड डालकर अपना लॉगिन करके आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के अलावा अभी आपको जो चौथा ऑप्शन दिया गया है तवक्कलना वाला, ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप अपना तवक्कलना खोल कर उनको दिखा सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। इसमें अभी लाइसेंस और इसके अलावा नेशनल एड्रेस और एकामा शामिल है। और तवक्कलना ने अपने बयान में कहा है कि आने वाले दिनों में इसमें और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं शामिल कर लिए जाएंगे, यानी आप पासपोर्ट भी इसमें दिखा सकेंगे, पासपोर्ट की कॉपी वगैरह भी इसमें मौजूद रहेगी आने वाले दिनों में, और भी बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी डॉक्यूमेंट भी इसमें शामिल किए जाएंगे। यानी आप समझ लीजिए कि तवक्कलना जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऐप सऊदी अरब के अंदर बनने के लिए तैयार है, और आने वाले दिनों में सारी चीज़ों की जरूरत खत्म हो जाएगी। आप अफसर बना कर आएंगे, उसके बाद तवक्कलना बना लें, सारा डाटा आपका जो है तवक्कलना में ही मौजूद रहेगा। तो ये हो गई तमाम इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कुछ भाइयों के सवालों का, जिसका जिक्र मैंने आपको शुरू में ही किया था वीडियो के। तो यहाँ पर एक भाई का सवाल था कि एकामा एक्सपायर होने के बाद में हम रिन्यू करवाते हैं, तो रिन्यू करवाने के बाद में हम एंजाज ऐप में अपना एकामा जो है कैसे अपडेट करेंगे ऑनलाइन। तो देखिए मेरे भाइयों, इंजाज ऐप में अगर आपका एकामा जो है एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर होने के बाद में फिर उसको अपडेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन आपको जाना होगा ब्रांच में, और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कॉल करने का, यानी फोन करने का। नंबर मैं आपको बता देता हूं, नंबर यहां पर इस तरह से है, आप लिख सकते हैं 9200111541। फिर से देख लें, 9200111541, ये नंबर है इंजाज का। आप इस पर कॉल करके और इंग्लिश चूज करके बात करके अपनी आईडी जो है अपडेट करवा सकते हैं। और अगर आप यहां पर बात नहीं कर सकते तो ऑनलाइन अपडेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप जाइए इंजाज की ब्रांच पर, वहां वो अपडेट कर देगा। दूसरा सवाल एक भाई का यहां पर मौजूद है कि एक वैक्सीन वालों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कब खुलेगी। तो देखिए मेरे भाई, एक वैक्सीन वालों के लिए फ्लाइट अभी खुली हुई है, लेकिन डायरेक्ट नहीं खुली हुई है। एक वैक्सीन वाले अगर चाहें तो किसी दूसरी कंट्री में 14 दिन गुजार कर सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मसला ये फंसता है कि आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहां पर एक वैक्सीन के लिए आपको अलाउड ही नहीं करेंगे। जैसे कि दुबई है, तो दुबई में अगर आप दो वैक्सीन लेकर जाते हैं तो क्वारंटीन का रूल नहीं है। यानी अगर आप एक वैक्सीन लेकर जाएंगे तो वहां पर क्वारंटीन होना पड़ेगा, दो वैक्सीन लेकर जाएंगे तब भी आपको वहां पर 14 दिन रहना होगा अगर आपने सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं ली है, इंडिया में वैक्सीन ली है तो, या आपने अगर सऊदी अरब में एक वैक्सीन ली है तब भी आपको वहां पर दुबई में जाकर 14 दिन गुजारना होगा। वहां पर जब आप 14 दिन गुजारेंगे उसके बाद फिर आ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को इसका पूरा प्रोसेस मालूम है। तो देखें, जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर चाहे एक वैक्सीन ली हो या जिन्होंने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली हो, उनके लिए फ्लाइटों का जो ऐलान है वो शायद इस महीने के आखिरी तक होने का पूरी उम्मीद है। यानी आप 28 तारीख 29 तारीख तक 29 अक्टूबर तक इसका पूरा पूरा चांस है कि आपके लिए फ्लाइटों का ऐलान हो जाएगा, और अगर फ्लाइटों का ऐलान नहीं होगा तो ये ऐलान हो जाएगा कि आपका वीजा जो है आपकी छुट्टी बढ़ा दी जाएगी। दो में से एक काम इस महीने के आखिर आखिर में हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा चांस इसी बात का है कि आपकी फ्लाइटें ओपन होंगी। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।